हे गाइस, वेलकम बैक। आप देख रहे हो आर्टबॉक्स स्टूडियो और मेरा नाम है अमर। और हर बार की तरह इस बार भी काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आए हैं हम लोग, जो है कोडिंग। काफ़ी सारे बच्चों के एग्जाम्स कैंसिल हो गए हैं। इफ़ यू वांट टू स्टार्ट लर्निंग कोडिंग, इससे अच्छा मौका आपको फिर नहीं आने वाला है। और जैसे कि मैंने अपने पिछले वीडियो में भी कहा है कि आपको कोई भी क्लासेस लगाने की ज़रूरत नहीं है, आप खुद घर से इजीली कोडिंग सीख सकते हो। तो आज के इस वीडियो में मैं आपकी कोडिंग की जर्नी शुरू कर दूंगा। बहुत ही बेसिक स्क्रैच प्रोग्रामिंग से हम लोग शुरुआत करने वाले हैं, जो कि मैंने पिछले वीडियो में भी कहा है कि कोई भी क्लासेस, कितने भी महंगे से महंगे क्लासेस लगा दो, आपकी शुरुआत जो है वो स्क्रैच प्रोग्रामिंग से ही होने वाली है। अगर आपको ये जानना है कि कोडिंग सीखना क्यों इम्पोर्टेंट है, कोडिंग सीखने से क्या होता है और कैसे सीखनी चाहिए कोडिंग, तो अभी के अभी इस आई बटन पे क्लिक कीजिए और मेरा पिछला वीडियो देखिए, जिसमें मैंने पूरी तरह से एक्सप्लेन किया है कि क्यों कोडिंग सीखनी चाहिए और क्या सही तरीका होता है कोडिंग सीखने का। काफ़ी सारे बच्चों और पेरेंट्स को ये डाउट होता है कि क्या हमें कोडिंग कोर्स में एनरोल होना चाहिए, पैसा खर्च करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो उस केस में मेरा जवाब यही होगा कि आप इस वीडियो को देख लीजिए, आप एटलीस्ट अपनी कोडिंग की जर्नी शुरू तो कर लीजिए, जो कि टोटली फ्री है। उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा कि आपको इस चीज़ में इंटरेस्ट है या नहीं है। अगर आपको इंटरेस्ट आ रहा है तो क्या आपको मेरे वीडियोस से आप सीख पा रहे हो काफ़ी कुछ? अगर आपको और भी ज़्यादा सीखना है तो आप सेल्फ लर्निंग करने की ट्राई कीजिए। और भी बहुत सारे यूट्यूब पे ऑप्शंस है, बहुत सारे वीडियोस है जिसको यूज़ करके आप काफ़ी कुछ सीख सकते हैं। अगर फिर भी आपको लगे कि और आपको सीखना है तो फिर आप फ्री है, बहुत सारे अवेलेबल है कोर्सेज, पेड कोर्सेज, जिसको आप इनरोल करके आगे अपनी कोडिंग की जर्नी शुरुआत कर सकते हैं। लेकिन शुरुआत करने के लिए आई थिंक दिस इज़ द बेस्ट वीडियो टू स्टार्ट विथ। तो काफ़ी कुछ तो मैंने ऑलरेडी कोडिंग के बारे में बता दिया है, इस वीडियो में मैं स्पेशली आपकी जर्नी स्टार्ट करने आया हूँ। तो बिना किसी रुकावट के चलो शुरू कर देते हैं। तो चलिए फिर अपनी कोडिंग की जर्नी शुरू करते हैं इस छोटे से इंट्रो के बाद। तो कोडिंग सीखना कोई बहुत ज़्यादा मुश्किल बात नहीं है, बहुत आसान होता है, कोई भी इसे सीख सकता है। बस आपको थोड़े चीज़ों के कॉन्सेप्ट सीखने होंगे, बेसिक्स है, उसके बाद आप और अपनी लॉजिक, ठीक है, अपना लॉजिक का इस्तेमाल करके आप आगे आगे जितना चाहिए उतना कोडिंग ईजीली आसानी से सीख सकते हो, ठीक है। सबसे पहले कोडिंग सीखने के लिए दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, एक होता है इंस्ट्रक्शंस और दूसरा होता है सीक्वेंस, ठीक है। स्टार्ट करने के पहले एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहूँगा आपको, ठीक है। आप सबको पता है कि कंप्यूटर्स में प्रोग्राम्स होते हैं, यानी कि सॉफ्टवेयर्स होते हैं, ठीक है। अब ये सॉफ्टवेयर्स तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स बनाते हैं, ठीक है, और कोडिंग करके सॉफ्टवेयर्स बनाते हैं, ठीक है। उस कोड जो सॉफ्टवेयर्स बनाते हैं उस प्रोसेस को बोलते हैं कोडिंग, ठीक है। कंप्यूटर के पास खुद का दिमाग होता नहीं है, इसलिए जैसे सॉफ्टवेयर डेवलपर सॉफ्टवेयर डिज़ाइन करते हैं उसी तरह से वो काम करते हैं, ठीक है। यानी कि कंप्यूटर को या सॉफ्टवेयर को एक पर्टिकुलर टास्क कंप्लीट करने के लिए डिज़ाइन किया गया होता है कोड करके, ठीक है। तो जितना अच्छे से कोडिंग किया होगा उतना ही अच्छे से आपका सॉफ्टवेयर भी रन होगा, ठीक है। यानी कि कोडिंग मतलब क्या, क्यों करते हैं हम कोडिंग, कि सपोज मान के चलो कि एक टास्क आपको परफॉर्म करना है, ठीक है, एक टास्क परफॉर्म करना है। उस टास्क को प्रॉपरली परफॉर्म करने के लिए हमें कुछ इंस्ट्रक्शंस देने होंगे, लेकिन प्रॉपर सीक्वेंस में, ठीक है। अगर इंस्ट्रक्शन सही हो, सीक्वेंस सही हो, तो आपका टास्क प्रॉपरली परफॉर्म हो जाएगा, ठीक है। ये एकदम बेसिक से बता रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। तो कोडिंग में इसी चीज़ का आपको इस्तेमाल करना है, ठीक है। दो इंपॉर्टेंट चीज़ें होते हैं, इंस्ट्रक्शंस और सीक्वेंस, ठीक है। करेक्ट इंस्ट्रक्शंस लेना है, उसको प्रॉपर सीक्वेंस में लगाना है। अगर इंस्ट्रक्शन सही होंगे, सीक्वेंस सही होगा, तो आपका टास्क भी प्रॉपरली कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। बस यही होता है कोडिंग में, ठीक है। अब एक एग्जांपल लेके आपको मैं बताता हूँ। चाय बनानी ऑलमोस्ट सबको आती है, आई एम अज्यूमिंग कि जो कोई भी ये वीडियो देख रहा है उनको एटलीस्ट चाय बनानी जितनी सिंपल चीज़ तो आती होगी, ठीक है। अब चाय बनाने के लिए क्या इंस्ट्रक्शंस फॉलो करने होते हैं हमें, ठीक है। सबसे पहले पानी गर्म करना होता है, ठीक है,
उसके बाद चलो गैस भी ऑन करना होता है, ठीक है, गैस ऑन करना होता है, फिर उसके ऊपर पानी गर्म करना होता है, फिर चाय पत्ती, चीनी और दूध, ठीक है। अब इसके बीच में थोड़ा बहुत लाइक ये बेसिक बता रहा हूँ मैं, ठीक है, ये ऊपर नीचे हो सकता है सबकी ज़रूरत के अनुसार, लेकिन फिर भी एक आइडियल जो तरीका होगा वो यही होगा, ठीक है। तो ये हो गए कुछ इंस्ट्रक्शंस जो ये प्रॉपर सीक्वेंस में है, ठीक है। अगर ये इंस्ट्रक्शंस कोई भी ए प्रॉपर सीक्वेंस में फॉलो करेगा तो उसका टास्क हो जाएगा, या फिर चाय छोड़ो कोई भी रेसिपी ले लो, एक इंस्ट्रक्शन ही तो हमें फॉलो करने होते हैं, ठीक है। और इंस्ट्रक्शन सिर्फ फॉलो नहीं करने होते, प्रॉपर इंस्ट्रक्शंस प्रॉपर सीक्वेंस में फॉलो करने होते हैं, ठीक है। अब अगर मैं ये सीक्वेंस ना फॉलो करूँ, ठीक है, तो समझो मैंने पानी ले लिया, चाय पत्ती डाल दी, चीनी डाल दी, सब कुछ हो गया, ठीक है। गैस मैं सबसे आखिरी में ऑन करता हूँ, ठीक है, या फिर ये सीक्वेंस में रॉन्ग ले लेता हूँ, ठीक है, तो फिर क्या मेरा टास्क होगा? नहीं होगा। या फिर चाय बनेगी मेरी? नहीं होगी। अगर बनेगी तो भी वो जैसे चाहिए वैसे नहीं बनेगी, ठीक है। अब कुछ लोग होंगे वो चैट में बोल देंगे कि हाँ बाबा सब कुछ एंड में भी चालू करूँगा तो भी होगी, लेकिन लेकिन आप एग्जाम्पल में मत जाओ, कोशिश करो समझने की। अगर कोई रेसिपी है, अगर वो प्रॉपर सीक्वेंस में फॉलो ना हो, ठीक है, तो क्या वो टास्क होगा कंप्लीट? नहीं होगा कंप्लीट, ठीक है, या फिर उतना अच्छे से जैसे हमें चाहिए था परफेक्टली नहीं होगा, करेक्ट है। अब कैलकुलेटर अगर ले लो, कैलकुलेटर में क्या आपको अगर मैं बता दूं कि 2 + 2 = 4 ही चाहिए था, लेकिन मैं बोलूँगा नहीं 3 भी तो आसपास ही है, तो चलेगा क्या? नहीं, आपको एक्यूरेट आंसर चाहिए, करेक्ट ना। तो एक्यूरेट रेसिपी बनाने के लिए भी एक्यूरेट इंस्ट्रक्शंस और एक्यूरेट सीक्वेंस करना बहुत ज़रूरी है, तब तक आपको जो चाहिए वो प्रॉपर आउटपुट या एक्सपेक्टेड आउटपुट नहीं आने वाला, ठीक है। वही चलता है कोडिंग में भी, ठीक है। जब तक आप इंस्ट्रक्शंस करेक्ट नहीं होगे और जब तक आपको वो करेक्ट इंस्ट्रक्शंस प्रॉपर सीक्वेंस में नहीं होगे, तब तक आपका टास्क नहीं होने वाला है। तो यही आपको बस फॉलो करना है, करेक्ट इंस्ट्रक्शंस लेने हैं, उसको प्रॉपर सीक्वेंस में लगाने हैं, ठीक है, और फिर आपका जो एक्सपेक्टेड आउटपुट है वो आ जाएगा, ठीक है। तो यही कोडिंग के प्रोसेस को लेके हम आज सीखने वाले हैं स्क्रैच प्रोग्रामिंग। स्क्रैच प्रोग्रामिंग एक ब्लॉक बेस्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ठीक है, जिसमें ऑलरेडी ब्लॉक्स दिए गए हैं, आपको बस सिलेक्ट करने हैं प्रॉपर ब्लॉक्स और उसे करेक्ट सीक्वेंस में लगाना है और देखना है कि आपका जो आउटपुट है, जो एक्सपेक्टेड आउटपुट था, वो आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर आ रहा है इसका मतलब आपने सही कोडिंग किया है, अगर नहीं आ रहा है इसका मतलब आपने कोडिंग गलत किया है। तो इतना आसान है, आई थिंक अभी जो मैं बता रहा हूँ तो शायद आपको इतना क्लियरली ना समझे, लेकिन अब मैं आपको लेके चलूँगा मेरे स्क्रैच प्रोग्रामिंग के स्क्रीन पे और वहाँ पे कुछ प्रैक्टिकल करके आपको बताऊँगा। आपको क्या करना है वो अच्छे से समझ लेना है और वही सेम चीज़ आपको भी प्रैक्टिस करने है अपने लैपटॉप या कंप्यूटर पर। ट्रस्ट मी, बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो चलिए शुरू करते है हम हमारे स्क्रैच प्रोग्रामिंग। वेलकम बैक गाइस। तो अभी आप हो मेरी कंप्यूटर स्क्रीन पे और जो आप प्रोग्राम देख रहे हो उसका नाम है स्क्रैच, ठीक है। तो सबसे पहले, शुरुआत करने से पहले मैं क्या करूंगा, मैं आपको स्क्रैच के विंडो के बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूंगा कि इसके अलग-अलग पार्ट्स क्या होते हैं विंडो के, ठीक है। सबसे पहले जो ऊपर आप देख पा रहे हो वो तो टाइटल बार है ऑफ कोर्स, क्योंकि नाम उसका दिया हुआ है स्क्रैच 3.18.1। ये जो है स्क्रैच का वर्जन है, ठीक है। इस स्क्रैच के वर्जन को आप इजीली इंटरनेट से डाउनलोड कर सकते हो, मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा। आपको बस डाउनलोड करके इंस्टॉल करना है अपने कंप्यूटर या लैपटॉप पे और फिर आप इसे आसानी से यूज़ कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद उसके नीचे ये जो ब्लू रिबन है उसमें, इसको आप बोल सकते हो मेनू बार है, क्योंकि उसमें फाइल और एडिट और ऐसे ऑप्शंस है जिससे आप अपना स्क्रैच का प्रोजेक्ट सेव कर सकते हो, ओपन कर सकते हो, ठीक है। अब ये जो स्क्रैच की विंडो है वो बेसिकली 3 मेजर पार्ट में डिवाइडेड है, ठीक है, तो वो मैं अभी एक्सप्लेन करूँगा आपको। जैसे कि आप देख पा रहे हो लेफ्ट में बहुत सारे यहाँ पे कलर कोडेड ब्लॉक्स दिखाई दे रहे हैं आपको, जो कि इंस्ट्रक्शंस है, एक एक इंस्ट्रक्शंस, ठीक है। इंस्ट्रक्शंस तो पता है ना आपको, मैंने एक्सप्लेन किया था, ठीक है, तो वही सारे आपको इंस्ट्रक्शंस यहाँ पे देखने मिल जाएंगे, ठीक
ठीक है। अब ये कलर कोडेड क्यों है, क्योंकि हर एक कलर की से ये डिनोट करता है कि ये इंस्ट्रक्शंस एक पर्टिकुलर कैटेगरी को बिलोंग करते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे लेफ्ट में देख सकते हो मोशन, ब्लू कलर के मोशन, पर्पल कलर के लुक्स है, फिर साउंड है, इवेंट है येलो कलर का, ऑरेंज कलर का कंट्रोल है। तो बेसिकली ये कैटेगरी है, आप बोल सकते हो कि ये इंस्ट्रक्शन कैटेगरी है और उस पर्टिकुलर कैटेगरी के ये सारे इंस्ट्रक्शन ब्लॉक्स है, ठीक है। तो सारे ब्लॉक्स दिए गए हैं, कैटेगरी वाइज दिए गए हैं, ताकि आपको ढूंढने में आसानी हो। आपको पता चल जाएगा वैसे पढ़ के कि कौन से इंस्ट्रक्शंस कौन से कैटेगरी में बिलोंग करते हैं, ठीक है। बहुत इजी है वो आइडेंटिफाई करना, जैसे आप करते रहोगे आगे आपको समझ जाएगा वो, ठीक है। तो ये तो हो गया लेफ्ट पार्ट। ये जो बीच में बहुत बड़ा जो एक पार्ट दिखाई दे रहा है आपको, वो है, वो बेसिकली आप इसको वर्क प्लेस बोल सकते हो या एडिटर बोल सकते हो या कुछ भी, या ये थोड़ा सा स्पेस दिया गया है जहाँ पे आप अपने सारे इंस्ट्रक्शंस को ऐसे लेके आ सकते हो, ठीक है। और एक के बाद एक इसको ऐड कर सकते हो, ऐसे लगा सकते हो, ठीक है। अलग अलग टाइप के हैं, तो इस तरह से आप अपना कोड बना सकते हो, ठीक है। कोड बनाना है मतलब सारे इंस्ट्रक्शंस को लेके आके एक प्रॉपर सीक्वेंस में, सीक्वेंस भी मैंने आपको बताया है, ठीक है। को इंस्ट्रक्शन कोड्स को लेके आना है, सीक्वेंस में लगाना है और फिर आपका प्रोग्राम रन करना है, ठीक है। तो ये जो प्लेस है यहाँ पे आप अपने सारे इंस्ट्रक्शंस को लाके एक प्रॉपर सीक्वेंस में लगा सकते हो। लगाने के बाद क्या होगा, अब आते हैं राइट साइड पे, ठीक है। अब राइट साइड के टॉप पे ये जो छोटा सा बॉक्स आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है, जिसके अंदर एक क्यूट सा कैरेक्टर है, इस कैरेक्टर का नाम है स्प्राइट, ठीक है। हमारे इस पूरे स्क्रैच का आप बोल सकते हो ये एक हीरो कैरेक्टर है, ठीक है, जिसका नाम है स्प्राइट। अब जो भी टास्क हमको करना है वो अपने एक स्प्राइट पे परफॉर्म करना होगा, या अपने इस कैरेक्टर पे हमें परफॉर्म करना है। और यही कोशिश रहेगी कि जो टास्क हमने सोचा है क्या वो हम अपने प्रॉपर कोडिंग से इस कैरेक्टर पे कर सकते हैं। यानी कि अगर मैंने सोचा है कि मुझे एक टास्क करना है कि मुझे इस स्प्राइट को यहाँ से यहाँ तक मूव करवाना है, फिर यहाँ से वापस ऊपर मूव करवाना है, तो क्या मैं अपने कोडिंग से ये टास्क पूरा कर सकता हूँ या नहीं, यही एक्चुअली हमें इस स्क्रैच में करना है। अब ये तो मूव का हो गया, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप इस स्प्राइट के साथ कर सकते हैं, ठीक है। फिलहाल के लिए मैं यहाँ पे ये सारे चीज़ें डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। ओके, तो ये जो है इसको आप बोल सकते हो स्टेज, ठीक है, क्योंकि स्टेज पे परफॉर्मेंस होता है और यही पे परफॉर्म करने वाला है हमारा स्प्राइट अकॉर्डिंग टू द कोड जो हम देने वाले हैं। जैसे कोड आप करोगे वैसे ही ये स्प्राइट यहाँ पे परफॉर्म करेगा, ठीक है। जैसे ही आप उसके नीचे आओगे यहाँ पे आप देख सकते हो कि अलग अलग चीज़ें दिए गई है, ठीक है। स्प्राइट का नाम दिया गया है, आप इसको चेंज करके अपने हिसाब से नाम दे सकते हो। ये एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट, ये जो स्टेज है ये पूरा का पूरा एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट में डिवाइड किया हुआ है, ताकि आप ये देखो जैसे मैं उसे उठा के कहीं और रख देता हूँ, ये एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट्स वैसे ही चेंज हो जाते हैं। अगर मैं इसको एग्जैक्ट बीच में रखूँगा तो ये 0 0 आ जाएगा, ठीक है। उसके लिए आपको एकदम एग्जैक्ट रखना होगा, या फिर आप सीधा यहाँ पे टाइप भी कर सकते हो 0 और 0 और एंटर दोगे तो ये देखिए स्प्राइट अभी आपका एकदम सेंटर में सेट हो गया है, ठीक है। तो आप इसको यहाँ से भी चेंज कर सकते हो। यहाँ पे शो और अनहाइड का है बटन, हाइड कर दोगे तो नहीं दिखेगा स्प्राइट, अगर शो करोगे तो स्प्राइट दिख जाएगा, ठीक है। यहाँ पे एक और ऑप्शन है साइज़ का, आप इस स्प्राइट का साइज़ भी चेंज कर सकते हो। जैसे अभी तो 100 है, मैं इसको 200 कर दूंगा तो ये स्प्राइट इतना बड़ा हो जाएगा, ठीक है। उसको मैं फिर से 100 कर देता हूँ ताकि ये छोटा हो जाए। ओके, अंत में आता है एक और ऑप्शन जो कि है डायरेक्शन। इसको मैं जैसे ही क्लिक कर देता हूँ, देखिए यहाँ पे मेरे पास एक रोटेशन ब्लॉक आ जाता है, ठीक है। इसे आपको जैसे चाहिए वैसे आप इसे रोटेट कर सकते हो, या फिर यहाँ पे नंबर भी है, नंबर भी अगर आप डालते हो, जैसे आपको पता ही है 90 डिग्री है तो 90 कर दोगे तो ये एग्जैक्टली राइट साइड में फेस होके ये ऐसा
अलाइन हो जाएगा, ठीक है। तो यही सारे बेसिक से ऑपरेशंस है। यहाँ पे आप मल्टीपल स्प्राइट्स ला सकते हो, ठीक है। जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पे एक स्प्राइट है, ठीक है। यहाँ पे डिलीट का ऑप्शन भी है, अगर आप चाहे तो इस स्प्राइट को डिलीट भी कर सकते हो, कोई और नया स्प्राइट भी ला सकते हो। जैसे कि ये देखिए, यहाँ पे जैसे ही मैं माउस कर्सर लाता हूँ, वहाँ पे अलग अलग ऑप्शंस आ जाते हैं। इसको मैं क्लिक करके, ये देखिए पूरी लाइब्रेरी है आपके पास स्प्राइट की, जो चाहिए वो स्प्राइट आप इसके अंदर ला सकते हो, ठीक है। अल्फ़ाबेट्स कैरेक्टर्स भी है और बहुत सारे अलग अलग कार्टून कैरेक्टर्स भी है। यहाँ पे भी कैटेगरीज दी है, एनिमल, पीपल, फैंटेसी, डांस, ठीक है, अलग अलग है, आपको जो चाहिए। ऑल में जाओगे तो आपको ऑल दिख जाएंगे। आप सर्च भी कर सकते हो, फॉर एग्जांपल आपको कुछ बटरफ्लाई टाइप चाहिए तो आप यहाँ पे सर्च कर सकते हो, अगर होगा लाइब्रेरी में तो आपको वो भी मिल जाएगा, ठीक है। और यहाँ से बैक करोगे तो आप फिर से यहीं पे पहुँच जाओगे। आप यहाँ से स्प्राइट ऐड भी कर सकते हो और यहाँ से डिलीट भी कर सकते हो, ठीक है। ऐड के साथ साथ आप यहाँ पे पेंट भी कर सकते हो, अगर आपको खुद का एक स्प्राइट बनाना है तो। यहाँ पे एमएस पेंट तो किया होगा आपने, सिंपल वही सारे ऑप्शंस है। आप ये पेंट ब्रश वगैरह दिया है आपको, आप इससे जैसे चाहिए वैसे आप अपने अपना खुद का एक स्प्राइट भी आप इसमें बना सकते हो, ठीक है। अगर आपको नहीं चाहिए फिर से यहाँ से डिलीट करके ये वाला स्प्राइट रख सकते हो, ठीक है। आप जब भी यहाँ पे क्लिक करोगे तो ये देखिए इस टैब में आ जाएगा। आप फिर से कोड में चले जाओगे तो आप अपने नॉर्मल कोड में आ जाओगे, ठीक है। डरिएगा मत कि ये क्लिक करने से आप ये कहाँ पे आ गए, ठीक है। बैक जाने के लिए ये यहाँ पे ऑप्शंस है, ठीक है। तीन क्या बोलते हैं इसको, कैटेगरी दिए गए हैं। कोड रहेगा तो आपको कोड वाली विंडो दिखेगी, कॉस्ट्यूम दिखेगा तो ये स्प्राइट, बेसिकली स्प्राइट को चेंज करना मतलब उसको कॉस्ट्यूम कहा जाता है। और साउंड्स में जाओगे तो साउंड, ठीक है। फिलहाल आपको इतना सोचने की ज़रूरत नहीं है, ये बस पहला लेक्चर है तो मैं आपको वही चीज़ें बताऊँगा जो आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एक बार शुरुआत करने के बाद आप उसको चाहिए उतना एक्सप्लोर कर सकते हो, ठीक है। तो कोड में जाते हैं, ठीक है। ये था स्प्राइट, फिलहाल के लिए हम इस वीडियो में इसी स्प्राइट के साथ काम करेंगे, ठीक है। एक और चीज़ है जो मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे एक और छोटा रिबन है और वैसा ही प्लस बटन है, ये है बैकड्रॉप। जैसे कि अभी आप स्टेज पे देख रहे हो एक प्लेन वाइट बैकग्राउंड है, ठीक है। यहाँ से आप अगर चाहिए तो बहुत सारे अलग बैकग्राउंड भी इसे चूज़ कर सकते हो। जैसे कि ये देखिए, जैसे जितने सारे आपके पास स्प्राइट के ऑप्शंस थे उतने ही ऑप्शंस आपके पास बैकग्राउंड के भी है, ठीक है। बहुत सारे अलग अलग और इंटरेस्टिंग बैकग्राउंड है, आपको जो चाहिए वो बैकग्राउंड आप इसमें से यूज़ कर सकते हो, ठीक है। जैसे अभी मैंने एक बैकग्राउंड लिया तो ये देखिए मेरे स्टेज का बैकग्राउंड चेंज हो गया ना, ठीक है। अब आप इसको डिलीट भी कर सकते हो, ठीक है। अगर आपको नहीं चाहिए ये तो आप इसको अपने बैकड्रॉप्स में जाके चेंज भी कर सकते हो, ठीक है। ये जो तीन ऑप्शंस है, अगर मैं स्प्राइट को सिलेक्ट करता हूँ तो यहाँ पे कॉस्ट्यूम वाला टैब आ जाता है, लेकिन अगर मैं इसे बैकड्रॉप पे चूज़ करता हूँ तो यहाँ पे बैकड्रॉप वाला कॉलम आ जाता है। सेम जैसे आप स्प्राइट बना सकते हो वैसे आप अपने खुद के बैकड्रॉप्स भी बना सकते हो, ये एमएस पेंट टाइप के जो ऑप्शंस है उससे, ठीक है। और फिर से आप अपने कोड वाले विंडो में भी आ सकते हो, ठीक है। फिलहाल के लिए मुझे ये बैकड्रॉप नहीं चाहिए, मुझे प्लेन बैकड्रॉप चाहिए, ठीक है। और आ गया मैं फिर से कोड पे, ठीक है। एक और चीज़ है, जब भी आप कोडिंग करो, ठीक है, तो ध्यान रखिए कि आप एक बार ये स्प्राइट पे क्लिक कीजिए, वरना क्या होगा, ये जो मोशन वाले ब्लॉक्स है वो आपको दिखाई नहीं देंगे। तो स्प्राइट पे क्लिक करोगे तो सारे ब्लॉक्स आपको दिखाई देंगे, ठीक है। वरना कभी कभी क्या होता है, मैं पूरा चीज़ सिखा दूंगा लेकिन कुछ बच्चों को ये प्रॉब्लम आएगी कि मेरे स्क्रैच में मोशन ब्लॉक्स दिख ही नहीं दे रहे, ठीक है। तो उस वक्त ध्यान रखिए, या तो आपने स्टेज को सिलेक्ट किया होगा इसलिए कभी भी स्प्राइट को सिलेक्ट रखिए तो आपको मोशन ब्लॉक्स भी आ जाएंगे, ठीक है। ओके, बहुत हो गया ये सारी चीज़ें, अब जल्दी से कोड करते हैं कुछ, ठीक है। सिंपल कोडिंग से शुरू करते हैं। पहला टास्क, ठीक है, फर्स्ट टास्क ये है कि ये जो स्प्राइट है ये इस जगह से मुझे इसे बस मूव करना है आगे, ठीक है। इसको मुझे मूव करना है आगे, तो मैं क्या करूँगा,
तो कोई भी प्रोग्राम आप जब भी करते हो तो उसका फर्स्ट इंस्ट्रक्शन आपको देना होता है, जो होता है इवेंट ब्लॉक कैटेगरी में, वो है ये पहला इंस्ट्रक्शन, व्हेन फ्लैग क्लिक्ड। ठीक है, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि ये आपको क्यों लेना है। उसके पहले मैं इसको थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ ताकि आपको ये प्रॉपरली दिखाई देगा। ठीक है, ओके। तो व्हेन फ्लैग क्लिक्ड, ठीक है। अब ये मुझे क्यों लेना है व्हेन फ्लैग क्लिक, ठीक है। सपोज कि मैंने टास्क तो डिसाइड कर लिया कि मुझे इसको इस प्लेस से इस प्लेस में शिफ्ट करना है या मूव करना है, ठीक है, और उस हिसाब से मैंने कोड भी लिख दिया। लेकिन अब वो कोड एग्जीक्यूट कब करना है, रन कब करना है, ठीक है, तो उसके लिए दो बटन्स हमारे स्टेज के ठीक ऊपर है। अगर आप यहाँ पे देखोगे ग्रीन फ्लैग पे, अगर मैं अपना माउस लेके आता हूँ तो वहाँ पे आप पढ़ पाओगे कि गो लिखा है, गो यानी कि स्टार्ट, ठीक है, और रेड पे जाके लिखोगे तो स्टॉप, ठीक है, तो इसका मतलब है स्टॉप, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, जो कोड लिखा है हम उसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं ग्रीन फ्लैग से, और अगर हमें उसको रुकाना है तो हम उसको रुकाएंगे रेड बटन से, ठीक है। तो इसीलिए सिर्फ कोड लिख के मतलब नहीं है, कोड के ऊपर आपको सबसे पहले लगाना होगा व्हेन फ्लैग क्लिक, यानी कि उसको भी समझ जाएगा कि ये कोड एग्जीक्यूट कब करना है। जब कोई इस ग्रीन फ्लैग को क्लिक करेगा तभी ये सारे कोड एग्जीक्यूट करने हैं, ठीक है। तो सबसे पहले ऑप्शन, प्रोग्राम कोई भी हो, टास्क कोई भी हो, पहला आएगा, पहला इंस्ट्रक्शन होगा व्हेन फ्लैग क्लिक। ओके, ये हो गया। नेक्स्ट क्या है, मुझे इसको यहाँ से यहाँ पे मूव करना है। तो मूव मतलब कि मेरे ख्याल से अगर मैं सारे कैटेगरीज को पढूं तो मोशन मोशन करवाना है मुझे, राइट। तो कुछ मोशन एक्टिविटी परफॉर्म करनी है, तो मोशन में काफ़ी सारे है, ग्लाइड है, पॉइंट इन डायरेक्शन है, चेंज है, उसमें एक है मूव मूव बाय 10 स्टेप्स। तो मेरे ख्याल से तो यही होना चाहिए, तो मूव 10 स्टेप्स, ठीक है। अब ये देखिए, अब ऐसा नहीं कि मैंने एक इंस्ट्रक्शन यहाँ लिख दिया, दूसरा इंस्ट्रक्शन यहाँ लिख दिया, मुझे इसे अटैच करना है प्रॉपरली, ठीक है। तो ये देखिए, ये अब एक मतलब ये एक ब्लॉक हो गया पूरा, ठीक है। नीचे के ब्लॉक को खींच के मैं इसे अलग कर सकता हूँ, ठीक है, लेकिन अगर ऊपर का ब्लॉक खींचोगे तो ये देखिए ये एक ब्लॉक हो गया, ठीक है। तो अब मेरा कोड क्या बन गया है, व्हेन फ्लैग क्लिक, जब भी कोई फ्लैग क्लिक करता है तो मुझे क्या करना है, मूव करवाना है 10 स्टेप्स, किसको, इस स्प्राइट को, ठीक है। अब मेरे ख्याल से ये प्रोग्राम हो गया हमारा, ये इतना ही तो था हमारा प्रोग्राम, हमारा टास्क यही था कि मुझे सिर्फ इसको मूव करवाना है आगे, ठीक है। लेकिन 10 स्टेप्स मतलब देखिए, ये कोई इंसान नहीं है हमारे तरह कि अगर 10 कदम चलेगा तो काफ़ी आगे तक बढ़ जाता है, अगर हम 3 कदम भी चलते हैं तो भी आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन इस केस में स्टेप्स का मतलब क्या होता है, स्टेप्स का मतलब होता है एक डॉट, यानी कि एक पिक्सल, ठीक है। अब क्योंकि ये स्क्रीन पे काम कर रहा है, ठीक है, ये जो कैरेक्टर है वो ज़मीन पे नहीं चल रहा है, ये स्क्रीन पे है, अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे, तो इनके लिए स्टेप्स का मतलब होता है हमारे स्क्रीन पे जो छोटे छोटे लाइट के डॉट्स होते हैं, जिसको मिल के हम एक स्क्रीन तैयार होती है, वो एक स्क्रीन का डॉट यानी कि एक पिक्सल होता है एक स्टेप। तो अगर मैं 10 स्टेप्स भी कर लूँगा, मतलब ये 10 पिक्सल चलेगा, जो काफ़ी छोटा होगा, तो इतना शायद अच्छे से दिखे ना, तो इसलिए मैं इस स्टेप्स को 10 निकाल के मैं 100 कर देता हूँ, ठीक है। तो इससे एटलीस्ट 100 पिक्सल्स अगर मूव होता है आगे तो हमें एटलीस्ट दिखेगा, ठीक है। तो हमारा पहला कोड रेडी है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसको ग्रीन फ्लैग को मैं प्रेस करता हूँ और देखता हूँ क्या ये 100 स्टेप्स आगे बढ़ पाता है या नहीं, ठीक है। अब मैं क्लिक करता हूँ तो यस, आपने देख लिया कैसे ये आगे बढ़ गया, ठीक है। इसको एक और बार मैं क्लिक करूँगा फिर से रन होगा, एक और बार क्लिक करूँगा फिर से रन होगा, ठीक है। अब इस केस में छोटा सा कोड था मूव 100 स्टेप्स, तो इसमें हमें स्टॉप की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ऑटोमेटिक स्टॉप हो जाता है 100 स्टेप मूव होने के बाद, स्प्राइट को आगे तो कुछ हमने बोला ही नहीं करने को, तो इसलिए इस केस में स्टॉप बटन का कोई इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ ग्रीन बटन से वो अपना करके हो जाएगा। स्टॉप बटन का इस्तेमाल कब आता है, जब हम बहुत लंबे बहुत बड़े कोड्स लिखेंगे और कभी कभी स्प्राइट मतलब हद से बाहर चला गया और बस घूमते ही जा रहा है, उस केस में हम उसको स्टॉप बटन को यूज़ करेंगे, ठीक है। फिलहाल तो हम बस छोटे
छोटे प्रोग्राम्स कर रहे हैं, ठीक है। ओके, तो अब हमारा जो पहला टास्क था गाइज वो आपने सक्सेसफुली कर लिया है, ठीक है। थोड़ा सा और बढ़ा के देखिए इसको, 400 स्टेप्स करके देखते क्या होता है, ठीक है। तो चलो ग्रीन फ्लैग को क्लिक करते हैं, ये रहा 400 फ्लैग, सॉरी 400 स्टेप्स आगे बढ़ गया, ठीक है। अच्छा, इसको 500, 600, 1000 करोगे तो ये स्क्रीन के बाहर चला जाएगा, ठीक है। अब स्क्रीन के बाहर अगर वो चला गया, ठीक है, फॉर एग्जांपल इसको मैं करता हूँ 500 स्टेप्स, ठीक है, अब तो ये पक्का स्क्रीन के बाहर चला जाएगा। और अगर चला गया, ये तो चला गया, इसकी सिर्फ टेल है, फिर भी मैं इसकी टेल को खींच के ला सकता हूँ। अगर मैं यहाँ पे करता हूँ 700 स्टेप्स, फिर तो ये स्क्रीन के बाहर ही चला जाएगा, ठीक है, नहीं जा रहा है ये, मतलब आपको उस हद, एक लिमिट के आगे ये नहीं जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर इन केस आपने कोई ऐसा प्रोग्राम लिख दिया जिससे ये स्क्रीन के बाहर चला गया स्प्राइट, तो आप इसको फिर से कैसे लाओगे, ठीक है। तो ये जो एक्सेस वाला बटन है जो मैंने बताया था, उसमें आप 0 0 कर दो तो ये अपने सेंटर पोजीशन पे आ जाएगा, ठीक है। तो इन केस कोई आपने कोड लिखने के बाद ये स्प्राइट अगर गायब हो गया, तो उसको मतलब डरिए मत कि उसको फिर से कैसे लाए, हम इसको 0 0 करेंगे यहाँ पे, एक्स एंड वाई एक्सेस एंटर करते ही आपका स्प्राइट जो है वो सेंटर पोजीशन पे आ जाएगा, ठीक है। ओके, तो फर्स्ट प्रोग्राम तो काफ़ी सिंपल था, मतलब इतना कुछ हार्ड नहीं था, थोड़ा सा और कॉम्प्लेक्स करते हम इसको, ठीक है। अब ना क्या टास्क करते हम लोग, इसको 100 स्टेप्स आगे तो बढ़ाएंगे, और क्या करें आगे बढ़ने के बाद, आई थिंक एक काम करते हैं हम लोग, क्या करते हैं जैसे ही स्प्राइट मूव होगा ना, हमको चाहिए कि वो एक अपने पीछे एक लाइन बनाते हुए चले, ठीक है, ताकि हमको समझेगा कि हाँ वो आगे भी बढ़ रहा है, ताकि जब हम उसको कहीं और किसी और पाथ पे लेके जाएगा तो हमको समझेगा कि वो एक ड्रॉ करते करते आगे बढ़ जाएगा, ठीक है, ट्राई करते हैं, ठीक है। तो मेरे पास क्या ऑप्शन है यहाँ पे, उसके लिए मुझे ड्रॉ करने के लिए पेन का एक ब्लॉक होता है, ठीक है। अब अगर आप देखोगे यहाँ पे पेन का तो कोई ब्लॉक नहीं है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे ये नीचे आपको बटन दिख रहा है लेफ्ट में, यहाँ पे ब्लॉक्स ऐड करने का बटन है, उसको आप जैसे ही क्लिक करोगे ना, ये देखो आपके पास और भी एक्स्ट्रा इंस्ट्रक्शन ब्लॉक्स है, जैसे कि म्यूजिक, पेन, वीडियो सेंसिंग, टेक्स्ट टू स्पीच, ट्रांसलेट और बहुत सारे भाई, लेकिन हम लोग इस बार सिर्फ पेन करके देखेंगे, ठीक है। तो ये देखिए, जैसे पेन पे क्लिक करता हूँ, ये एक और न्यू कैटेगरी आती है मेरे पास जिसका नाम है पेन, ठीक है। तो अब पेन में से क्या करूँगा मैं, अगर आपको पेन यूज़ करना है, सबसे पहले आपको पेन एक्टिवेट करना होगा, तो उस एक्टिवेशन को हम क्या करेंगे, ये पेन डाउन, पेन डाउन करके ऑप्शन है, ठीक है। अब इस पेन डाउन से क्या, यहाँ पे पेन अप भी ऑप्शन है, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, पेन जब डाउन होगा और उसके बाद अगर स्प्राइट मूव करेगा तो वो एक लाइन बनाएगा, लेकिन अगर पेन अप हुआ और अगर स्प्राइट मूव हो रहा है तो कुछ नहीं होगा, पेन अप अगर हवे में होगा तो ड्रॉ कैसे होगा, ठीक है। तो हमें पेन डाउन करना है, पेन डाउन यानी कि आप बोल सकते हो कि पेन एक्टिवेटेड हो गया, ठीक है। तो अब देखिए सीक्वेंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर कोई फ्लैग क्लिक करता है तो मूव 100 स्टेप्स, और उसके बाद अगर मैं पेन डाउन करूँ तो मतलब नहीं हुआ, तो स्प्राइट मूव हो जाएगा और उसके बाद पेन डाउन करो, नहीं कुछ ड्रॉ ही नहीं होगा, ठीक है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, पेन डाउन पहले लगाना होगा, ठीक है, मतलब जब भी कोई ग्रीन फ्लैग क्लिक करेगा पहले पेन डाउन करो, उसके बाद मूव हो जाओ 100 स्टेप्स, तो वो लाइन बनेगी, करेक्ट। तो चलिए देखते हैं हम लोग करके, पेन डाउन किया मैंने, मूव 100 स्टेप्स, ओके गुड टू गो, लेट्स क्लिक द ग्रीन फ्लैग, क्लिक हो गया, ये देखिए हो गई ना छोटी सी एक लाइन। अब ये बाय डिफ़ॉल्ट ब्लू कलर में लाइन आ रही है और बहुत पतली सी लाइन आ रही है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, इसमें हम कलर भी चेंज कर सकते हैं, तो ये देखिए यहाँ पे लिखा है सेट पेन कलर टू, उसको भी मैं लेके आऊँगा, और पहले मूव के पहले ये जो सारा पेन का जो तामझाम हमें करना है वो मूव होने से पहले ही कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पे कलर हम क्या करेंगे ना,
कलर थोड़ा सा इंटरेस्टिंग कलर लेके आते हैं। रुको ये देखिए ब्राइटनेस, हाँ यहाँ पे देखिए, तो मैं ये रेड कलर ले लेता हूँ ताकि आप लोगों को भी थोड़ा अच्छे से दिखाई दे, ठीक है। और मूव 100 स्टेप के बजाय मैं अभी 200 स्टेप करता हूँ, ठीक है। अब ये ऐसे ही इसके ही आगे बढ़ेगा ये, क्योंकि ये इस पोजीशन पे है, तो ग्रीन फ्लैग क्लिक करता हूँ। अब ये देखो रेड लाइन बन गया। फिर से एक बार मैं दिखाता हूँ इसको, ये उठा के यहाँ पे रखता हूँ, फिर से ग्रीन फ्लैग क्लिक करता हूँ। ये देखिए 200 की रेड लाइन क्रिएट हो गई, ठीक है। अब एक और इंटरेस्टिंग चीज़ करते हैं हम लोग, यहाँ पे कलर तो चेंज कर लिया हमने, कलर के साथ साथ हम इसके पेन की साइज़ भी सेट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये लाता हूँ मैं ऊपर, ठीक है। अब ये सारे चीज़ मैं मूव के पहले ही करूँगा, ठीक है। सेट पेन साइज़ 1 था ना, तो इसको मैं 10 रख देता हूँ, ठीक है। अब देखते हैं क्या होता है। चलो ग्रीन फ्लैग क्लिक, ये देखिए अभी क्या हो गया, सेम लाइन उन्होंने बनाया, ठीक है। सिर्फ थिकनेस हमने बढ़ा दिया, ठीक है। पेन का साइज जो था वो हमने थोड़ा सा इंक्रीज कर दिया, ठीक है। अच्छा, ये जो सेट कलर और सेट पेन साइज का इंस्ट्रक्शंस जब भी आप यूज़ करोगे तो वो बहुत ध्यान से करना, क्योंकि यहाँ पे सेट के साथ साथ चेंज भी है, ठीक है। चेंज पेन साइज बाय और सेट पेन साइज, ठीक है। सेट मतलब सेट हो गया मेरा एक साइज, चेंज मतलब मुझे जो भी पेन का साइज था उससे आगे चेंज करना है, ठीक है। तो फिलहाल मैं चेंज का प्रोग्राम नहीं बता रहा हूँ मैं आपको, मैं सिर्फ सेट मतलब एक बार आपने सेट कर दिया और बस चलते रहेगा वो, ठीक है। अब प्रॉब्लम क्या आ रहा है यहाँ पे कि प्रोग्राम वगैरह तो सब अच्छा है, चल भी अच्छे से रहा है, लेकिन पिछला जो ड्राइंग है वो जा नहीं रहा है। उससे तो मेरा स्क्रीन पूरा फिल हो जाएगा, मतलब मेरे पास जगह नहीं बचेगी अब प्रोग्राम रन करने के लिए। और मुझे ना, मुझे ये पिछला वाला आउटपुट नहीं चाहिए, मुझे फ्रेश स्क्रीन पे ये करना है अभी। तो उसके लिए क्या करेंगे, उसके लिए इसी पेन ब्लॉक की कैटेगरी में आपको एक और ऑप्शन मिल जाता है जिसका नाम है इरेज ऑल, ठीक है। तो इरेज ऑल को मैं यहाँ पे लेके आता हूँ, ठीक है। अब सोचिए ये इरेज ऑल कहाँ पे लगेगा, ठीक है। अगर मैं इसको मूव स्टेप के बाद लगाऊँ तो मतलब कैसे होगा, देखते हैं। पहले ना दिमाग में ही अपना एक बार देख लीजिए रन करके कोड कि वो चलेगा या नहीं चलेगा, ठीक है। व्हेन फ्लैग क्लिक, कोई भी अगर फ्लैग क्लिक करेगा तो पेन डाउन हो जाएगा, पेन का कलर रेड सेट हो जाएगा, पेन का साइज भी 10 सेट हो जाएगा। उसके बाद स्प्राइट मूव करेगा, ठीक है, यानी कि लाइन बना देगा और फिर इरेज कर देगा सब कुछ। तो मतलब स्प्राइट मूव हो जाएगा लेकिन जो लाइन उसने बनाई है वो भी इरेज हो जाएगी, लाइन यानी कि सब कुछ इरेज हो जाएगा जो कि हमें नहीं चाहिए, करेक्ट ना। आपको ट्राई करके दिखाता हूँ मैं, ये देखिए कुछ भी नहीं, वो करंट लाइन भी मिटा देगा क्योंकि हमने इरेज ऑल लास्ट में लगाया है, तो ये सही तरीका नहीं होगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इरेज ऑल मेरे ख्याल से सबसे ऊपर लगाना होगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि मुझे पहले सब कुछ इरेज करवाना है, ठीक है। जैसे ही फ्लैग क्लिक करते हैं पहले स्क्रीन क्लियर करवा दो, ठीक है। उसके बाद पेन डाउन, पेन कलर सेट, पेन साइज सेट, और फिर मूव करने बोलो स्प्राइट को, ताकि जो फ्रेश वाला आउटपुट है सिर्फ वो ही देखना चाहिए मुझे, ठीक है। करके देखते हैं, ये देखिए हो गया, अब समझेगा हमको। अब मैं क्या करता हूँ, इसको फिर से करता हूँ। अब इरेज की वजह से क्या होगा, ये जो पुरानी लाइन है वो मिट जानी चाहिए, ठीक है। देखते वो होता है क्या, यस होता है, ठीक है। हर बार कितनी भी बार करो, अब पिछली बार की तरह क्या बोलते हैं, हमारे स्टेज पे बहुत ज़्यादा कचरा नहीं होगा, सिर्फ फ्रेश आउटपुट दिखाई देगा। पुराना वाला सारा आउटपुट इरेज हो गए, सिर्फ करंट आउटपुट दिखाई देगा, है ना, मज़ेदार, ठीक है। तो इस तरह से आप इरेज बटन का इस्तेमाल भी कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ इरेज को क्लिक भी करोगे तो भी ये इरेज हो जाएगा, ठीक है। ओके, तो ये तो था पेन का इस्तेमाल। अब हम थोड़ा सा इसको एक लेवल आगे लेके जाते हैं, ठीक है। अभी हम क्या करेंगे, स्ट्रेट लाइन बहुत हो गया, अब हम इसको थोड़ा सा ना टर्न करते किसी और जगह पे, ठीक है। तो मोशन स्टेप में इसको 100 ही रखता हूँ फिलहाल, बहुत ज़्यादा आगे नहीं बढ़ाऊँगा,
ठीक है, या फिर चलो 200 ही रखते हैं, ठीक है। और मोशन में देखते हैं और क्या क्या ऑप्शंस है। मोशन में टर्न का ऑप्शन भी है, मैं इसको टर्न भी कर सकता हूँ, तो चलो इसको टर्न करवाते हैं, ठीक है। टर्न कितना करवाते हैं, समझो इसको मैं यहाँ से यहाँ तक लेके जाऊँगा और फिर ऊपर टर्न करवाऊँगा। अगर ये ऐसा है, मुझे उसे एग्जैक्ट ऊपर टर्न करवाना है, तो कितना डिग्री मुझे टर्न करवाना पड़ेगा, 90 डिग्री, करेक्ट है। तो 90 डिग्री उसको मैं ऊपर टर्न करवाऊँगा, ठीक है। और उसके बाद और 200 स्टेप्स इसको आगे बढ़ाऊँगा, ठीक है, जिससे कि ऐसे एल शेप में कुछ बनेगा। ट्राई करते हम लोग, ठीक है, ओके। चलो इसको मैं यहाँ पे सेट करता हूँ, ठीक है। मैंने कोड क्या लिखा है, वेन फ्लैग क्लिक इरेज ऑल पेन का सारा तीनों थिंग, उसके बाद मूव 200, फिर टर्न 90 डिग्री, और फिर से मूव 200, यानी कि ऐसा और ऐसा एल शेप बनना चाहिए। चलो देखते होते हैं क्या। यस, बन गया हमारा एल शेप, ठीक है। यहाँ से शुरुआत की, पहले मूव 200, फिर 90 डिग्री टर्न किया उसने लेफ्ट में, फिर ऊपर चला गया, ठीक है। अब ये ऊपर इसलिए गया गया फ्रेंड्स, क्योंकि मैंने उसे सिर्फ 90 डिग्री ही टर्न किया था। अगर मैं उसे 180 डिग्री करता तो वो फिर से अपने जगह पे आ जाता, ठीक है। आपको चाहिए तो मैं वो भी दिखा देता हूँ, ठीक है। मैं इसको इरेज कर देता हूँ, इसको पहले अपने पोजीशन पे। जब भी आपका स्प्राइट घूम जाए, ठीक है, और अजीब सी पोजीशन पे आ जाए, तो यहाँ पे आप इसको फिर से प्रॉपर पोजीशन पे ला सकते हो, ठीक है। या फिर यहाँ पे 90 डिग्री भी टाइप कर सकते हो, तो वो अपने ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाएगा, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं आपको सिर्फ एक दिखाता हूँ, इस 90 डिग्री के बजाय ना मैं इसको 180 डिग्री दिखा देता हूँ, ठीक है। तो 180 से क्या होगा, 200, 180 मतलब पूरा उल्टा होके वापस अपने जगह पे आ जाएगा। उस केस में लाइन ओवर राइट हो जाएगी, ठीक है, देख लेना ध्यान से। तो मैं अभी ग्रीन फ्लैग क्लिक करता हूँ, ये देखिए, ठीक है। इसमें दो लाइन नहीं दिख रही है, बनी दो लाइन है, लेकिन क्यों नहीं दिख रही, क्योंकि वो एक के बाद ऊपर एक ओवरराइट हो गई है, ठीक है। तो ये बस आपको एक्सप्लेन करने के लिए मैंने बताया, ठीक है। इसको मैं फिर से अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे लेके आता हूँ, और इसको इरेज जो 180 डिग्री किया था मैंने, उसको 90 डिग्री ही करता हूँ, ठीक है। अब एक और इंटरेस्टिंग चीज़, अब ये एल बन रहा है, ठीक है। अब इसको एल को अगर मैं और आगे कोड करूँ और इसको फिर से लेफ्ट में भेज के फिर से नीचे लाऊँ, तो एक पूरा स्क्वायर बन सकता है, ठीक है। तो चलो बनाते हैं स्क्वायर हम लोग, ठीक है। तो सबसे पहले मूव 200 स्टेप्स, टर्न 90 डिग्री, इससे एक लाइन बन जाएगी। फिर से मूव 200 स्टेप्स और टर्न 90, ठीक है, उससे दूसरी लाइन भी बन जाएगी, ठीक है। मूव और मूव और टर्न, फिर से टर्न हो गया। अब फिर से एक और लाइन, तो फिर से 200, ठीक है, और फिर से मूव, ठीक है, 90 डिग्री। 90 डिग्री ही होगा, आप बेसिक सा लॉजिक है, स्क्वायर बना रहे हो, स्क्वायर्स के सारे एंगल जो होते हैं वो 90 डिग्री ही होते हैं, तो इसलिए इसको भी हमें 90 डिग्री ही मूव करना होगा, ठीक है। टर्न 90 डिग्री और फिर से मूव, ताकि वो नीचे आ जाए फिर से अपने पोजीशन पे, जहाँ से शुरुआत किया था वहाँ से, ठीक है। तो चलो करके देखते हैं हम लोग, ठीक है। बेसिकली मूव और टर्न, ये हम मूव तो हमें 4 बार करना ही होगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं क्या हम स्क्वायर बना सकते हैं इससे, ठीक है। वेरी गुड, स्क्वायर बन गया हमारा, ठीक है। अब स्क्वायर जो बन गया है, लेकिन जो स्प्राइट है वो आखिरी में आके ऐसा, क्योंकि वो ऑब्वियसली ऊपर से नीचे आया है इसलिए इस पोजीशन पे है, लेकिन हम उसको फिर से उसकी ओरिजिनल पोजीशन पे भी ला सकते हैं। कैसे, अगर हम उसको नीचे लाने के बाद एक और टर्न 90 डिग्री दे दे, ठीक है ना, तो वो अपने ओरिजिनल पोजीशन पे भी आ सकता है, ठीक है। करके देखना है, इसको पहले मैं इरेज करता हूँ ऑल, और डायरेक्शन में इसको 90 डिग्री पे, मतलब अपने ओरिजिनल पोजीशन पे लाता हूँ, ठीक है। देखते करके आपको समझ रहा है, इस केस में मैंने सिर्फ एक एक्स्ट्रा 90 डिग्री टर्न किया है, ताकि वो अपने ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाए स्क्वायर बनाने के बाद, ठीक
ठीक है। तो चलो अब मैं ग्रीन फ्लैग क्लिक करके देखता हूँ, ये देखो तो घूम के फिर से अपने ओरिजिनल पोजीशन पे आ गया, ठीक है। तो ये था मतलब आप लाइक देखते देखते हमने कितने सारे टास्क कर दिए, ठीक है। हमने मूव भी कर लिया, हमने उसके पेन का कलर भी चेंज कर लिया, हमने उसका साइज़ भी चेंज कर लिया, उस स्क्वायर भी बना लिया। मतलब आप देख सकते हो इतना आसान है कोडिंग सीखना, ठीक है। मतलब इसी तरह से शुरुआत करते हैं कोडिंग सीखने की, ठीक है। अभी तो बस शुरुआत हो गई, आगे बहुत सारे मज़ेदार प्रोग्राम्स है। आपको एक और मैं बहुत इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट ब्लॉक सिखाता हूँ मैं, ठीक है। सबसे पहले मैं इसे इरेज कर देता हूँ, इसी प्रोग्राम को मैं और ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनाऊँगा कैसे, ठीक है। अब इस प्रोग्राम को आप थोड़ा सा ब्रेक डाउन कीजिए आगे, ठीक है। मतलब स्क्वायर बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ा, मुझे मूव और टर्न 90 डिग्री, ठीक है। मूव और टर्न 90 डिग्री कोई 4 बार करना पड़ा तब जाके स्क्वायर बना, करेक्ट है। आप यहाँ पे भी देख सकते हैं, मूव 200, टर्न 90, ठीक है। अब ये देखो, मूव 200, टर्न 90, मूव 200, टर्न 90, और आखिरी में फिर से मूव 200 और टर्न 90। मतलब ये मूव 200 और टर्न 90 सेम इंस्ट्रक्शंस मैंने कितने बार किए हैं, 4 बार किए हैं, ठीक है। तो मुझे बताइए, अगर कभी ऐसे ज़रूरत पड़ी आपको कि सेम इंस्ट्रक्शंस आपको मतलब पड़ेगी, आप जब भी ऐसे थोड़े से कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम्स करते जाओगे आगे, तो आपको एक सिनारियो ऐसा आएगा जहाँ पे आपको सेम इंस्ट्रक्शंस ना काफ़ी बार करने पड़ रहे हैं या काफ़ी बार लिखने पड़ रहे हैं, ठीक है। अब इस केस में 4 बार था, तो मैंने 4 बार तो लिख दिया, यानी कि सेट कर दिया। लेकिन इमेजिन अगर ऐसा कोई प्रोग्राम आपको आता है जिसमें आपको ये इंस्ट्रक्शंस 100 बार करने पड़े, तो क्या आप 100 बार उसको कनेक्ट करोगे? नहीं कर सकते, करेक्ट। तो उस केस में आप क्या कर सकते हो वो मैं अभी आपको दिखाऊंगा, ठीक है, ठीक है। तो उस केस में आप क्या कर सकते हो, एक मिनट में इसको सेट कर लेता हूँ पहले। हाँ, उस केस में जो कॉमन इंस्ट्रक्शंस है, यानी कि इस केस में कॉमन था ये 200 और टर्न 90, इसको मुझे रिपीट करवाना है। तो आप कंट्रोल ब्लॉक में अगर जाओगे तो वहाँ पे एक आपको एक ब्लॉक मिलेगा जिसका नाम है रिपीट, ठीक है। और यहाँ पे ये थोड़ा सा अलग टाइप का ब्लॉक है, ठीक है। मतलब एक ढांचे जैसा है जिसके अंदर आप कुछ फिट कर सकते हो, यानी कि कोई ब्लॉक फिट कर सकते हो। तो जो आपका कॉमन इंस्ट्रक्शन वाला ब्लॉक है, यानी कि ये पूरा, उसको मैं अगर इसके बीच में डाल दूँ, तो ये देखो ये कैसे ऐसे फिट हो गया प्रॉपरली, ठीक है। अब इसमें एक या दो नहीं, आप जितने चाहिए उतने ब्लॉक्स इसके अंदर फिट कर सकते हो। और सिर्फ इसको आपको क्या बोलना है कि इसको कितनी बार रिपीट करना है, इसको मुझे 4 बार रिपीट करना है, ठीक है। अब ये देखिए, ये ब्लॉक आ गया इस पे। अब क्या लगता है आपको, इसको यूज़ करके स्क्वायर बन पाएगा? ऑफकोर्स बनेगा, ठीक है। क्योंकि मैं क्या कर रहा हूँ, इस मूव 200 और टर्न 90 डिग्री वाले ब्लॉक को 4 बार रिपीट करूँगा, ठीक है। और 4 बार क्यों, क्योंकि मैंने यहाँ पे टाइप किया है। आप इसको चाहो तो 100 टाइम्स भी रिपीट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन जो मेरी रिक्वायरमेंट है, जो मेरा टास्क है, जो मुझे स्क्वायर बनाना है, मेरा टास्क क्या है कि मुझे स्क्वायर बनाना है, तो उसके लिए मेरी रिक्वायरमेंट है कि मुझे इसे 4 बार रिपीट करना है, ठीक है। तो ये रहा नया, ये नया कोड है लेकिन छोटा बना दिया हमने उसको, ठीक है। अब देखते हैं ये नए कोड से स्क्वायर बन पाता है क्या। तो चलिए मैं क्लिक करता हूँ मेरे ग्रीन फ्लैग पे, तो ये देखिए बन गया बहुत ही आसानी से। पहले तो कितना लंबा कोड था, अब तो एकदम शॉर्ट हो गया, ठीक है। तो यही मैजिक है रिपीट कोड का, ठीक है। इस रिपीट को, यानी कि इस प्रोसेस को आप लूपिंग कहते हो, ठीक है। ये कोडिंग में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आप जिस टाइम पे लूपिंग समझ जाओगे, उस टाइम पे आप बोल सकते हो कि एक मतलब एक लेवल ऊपर चले गए आप कोडिंग में। क्योंकि जिसको लूपिंग समझ में आ जाता है, उसको काफ़ी आसान हो जाता है आगे जाके। अगर लूपिंग का आप सही इस्तेमाल करोगे
तो आप काफ़ी सारे कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम भी आसानी से कर पाओगे। ठीक है, तो इतना इम्पोर्टेंट है लूपिंग, इस केस में रिपीट। ठीक है, यहाँ पे एक फॉरएवर ब्लॉक भी दिया है। ठीक है, अब रिपीट के बजाय अगर मैं फॉरएवर ब्लॉक करूँगा तो फॉरएवर ब्लॉक में देखो यहाँ पे आप मेंशन नहीं कर सकते कि कितनी बार आपको, क्योंकि फॉरएवर का मतलब फॉरएवर होता है, वो बस चलता जाएगा। ठीक है, अगर मैं ये लगाऊंगा तो उसके इसमें पता है क्या होगा, ये स्प्राइट घूमते रहेगा और उसे मुझे रोकना पड़ेगा इस स्टॉप बटन से। ठीक है, देखना है करके, चलो ये भी दिखा देते हैं। ठीक है, तो ये इंस्ट्रक्शन निकाल के यहाँ पे डाल देता हूँ। ठीक है, फिलहाल के लिए इस रिपीट ब्लॉक को मैं डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, तो गाइस आप लोगों के रिस्क पे मैं ये फॉरएवर ब्लॉक कर रहा हूँ। ठीक है, ये मेरे ख्याल से तो इनफाइनाइट लूप में चला चला जाएगा। ठीक है, चलो ट्राई करते हैं। ये देखिए, दिख रहा है, ये रुकेगा ही नहीं क्योंकि आपने इसको फॉरएवर ब्लॉक में लगाया है। ठीक है, अब इसको रोकने का बस एक ही तरीका है कि स्टॉप बटन से इसको रोक दिया जाए, तो ये रोक दिया हमने। ठीक है, तो फर्क समझ में आ गया आपको लूपिंग में भी। ठीक है, एक होता है कंट्रोल्ड लूप कि जैसे कि रिपीट, कि आपने उसको प्रॉपरली बताया कि कितनी बार रिपीट करना है, और एक होता है ये इनफाइनाइट लूप यानी कि फॉरएवर बस चलता ही जाएगा और आप फिर उसको रोक मतलब स्टॉप करके ही रोकना पड़ेगा आपको। ठीक है, इसको फिर से मैं अपने ओरिजिनल पोजीशन में लेके आता हूँ 90 डिग्री। ठीक है, और इसको मैं क्या करता हूँ, ये फॉरएवर तो भाई हमारे काम का नहीं है, हमें इसे कंट्रोल्ड लूप में ही रखना है यानी कि रिपीट फोर करके इसी तरह से हमें ये करना है प्रोग्राम। ठीक है, तो अब स्क्वायर तो हमने बना लिया। ठीक है, ट्रायंगल बनाने का ट्राई करते हैं। ठीक है, ट्रायंगल बनाने के लिए आपको सेम चीज़ फॉलो करना है। ठीक है, लेकिन ट्रायंगल के क्योंकि होते हैं 3 साइड्स और 3 एंगल, तो काफ़ी सारे बच्चे मतलब यहाँ पे तो आइडेंटिफाई कर लेंगे कि हमको रिपीट 3 बार करना होगा, लेकिन मूव भी चलो 200, मतलब अगर 100 करोगे तो छोटा ट्रायंगल बनेगा, 200 करोगे तो बड़ा ट्रायंगल बनेगा। लेकिन अब जो लॉजिकल पार्ट इसमें आता है वो है टर्न का, कितना डिग्री टर्न करोगे आप। 90 डिग्री तो नहीं टर्न कर सकते, क्या कह रहे हो, 90 डिग्री से भी होगा? ओके ठीक है, ट्राई करके देखते हैं 90 डिग्री से, नहीं होगा। 90 डिग्री से तो स्क्वायर बनता है। अब ये देखो, ये तो ओपन एंडेड ट्रायंगल बन गया। ठीक है, तो सोचो, थोड़ा सा दिमाग पे जोर लगाओ कि ट्रायंगल के लिए क्या कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, अब इस केस में ना आपको जब भी नई समझ में आए, ठीक है, तो उस केस में आपको क्या करना पड़ेगा, एक पेपर लो, एक पेन लो, उसके ऊपर ड्रॉ करने का ट्राई करो। ठीक है, एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करो। ठीक है, और फिर आगे मतलब जैसे आप स्प्राइट मूव करते हो ना, वैसे ही आप भी ड्रॉ करने का मूव ट्राई करो और देखो कि कितना एंगल आप मूव कर रहे हो। ठीक है, तब आपको समझ में आएगा कि कितना एंगल आपको यहाँ पे लगाना होगा। तो मैंने तो वो ट्राई करके देख लिया और मेरे हिसाब से जो डिग्री टर्न करना चाहिए स्प्राइट को वो है 120 डिग्री। ठीक है, 120 डिग्री, तो देखते करके क्या ये ट्रायंगल बना पाता है। ठीक है, तो चलिए ग्रीन फ्लैग क्लिक करके देखते हैं। ये देखिए, अब बन गया इक्विलेटरल ट्रायंगल आपका। आई होप कि ये इंटरेस्टिंग है, लग रहा है आपको। एक और इंटरेस्टिंग, एक स्टेप एक और आगे ले लेते हम लोग। ठीक है, अब क्योंकि आपका इंटरेस्ट लेवल बढ़ गया है, यहाँ तक आपने वीडियो देख ही लिया है, तो मैं ऐसे ही नहीं छोड़ूंगा आपको, एक और इंटरेस्टिंग चीज़ आपको दिखाऊंगा मैं यहाँ पे। ठीक है, अब मान लो आपको सर्कल बनाना है। ये मतलब इम्पॉसिबल तो नहीं, थोड़ा सा टफ है, थोड़ा सा सोचना पड़ेगा आपको सर्कल बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा। ठीक है, तो सोचिए, अपना टाइम लीजिए, बुक पेन पेपर जो है उस पर ट्राई करना है, ट्राई कर लीजिए, यहाँ पे भी ट्राई कर लीजिए। ठीक है, आपको बनाना है सर्कल। ठीक है, मैं आपको अभी यहाँ पे दिखा सकता हूँ सर्कल कैसे बनाते हैं। ठीक है, लेकिन मैं दिखाऊंगा नहीं आपको। ठीक है, सर्कल आप खुद से बनाओगे। ठीक है, खुद से बना के आपको 3 चीज़ें, ठीक है, रिपीट में क्या आएगा, मूव में क्या आएगा और टर्न में क्या आएगा, ये
तीन चीज़ें आपको कमेंट सेक्शन में मुझे बतानी है, ठीक है? कमेंट सेक्शन में देखते हम लोग कि कौन है जो एग्जैक्ट आंसर बताता है, ठीक है? जो भी करेक्ट आंसर बताएगा उसको मैं अपने अगले वीडियो में शाउट आउट दूंगा, ठीक है? हम उसका नाम डिस्प्ले करेंगे। जो भी पहला पर्सन जो करेक्ट आंसर देगा कमेंट्स में, उसको हम लोग जैसे कि मैंने बोला कि उसका नाम हम अनाउंस करेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो के स्टार्ट में, ठीक है? तो गाइस ट्राई कीजिए फटाफट से स्क्रैच का ये वाला वर्जन, जो मैं जो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा मैं, फटाक से उसको डाउनलोड कर लीजिए, ट्राई कीजिए। बहुत सारे प्रोग्राम्स इसमें, बहुत सारे इंस्ट्रक्शन कोड्स है। आप मतलब मैंने अभी आपको सिर्फ स्टार्ट करना सिखाया है, आगे भी बहुत सारे वीडियोस आएंगे मेरे जिसमें मैं थोड़े से कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम करूँगा, आपको बताऊँगा मैं, ठीक है? लेकिन स्टार्ट करने के लिए ये काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, ठीक है? मैंने बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट वाले और गिने चुने इंस्ट्रक्शंस आपको बताया है। एटलीस्ट आपको इससे इंटरेस्ट आ जाएगा स्क्रैच सीखने में, ठीक है? और अगर आपको इंटरेस्ट आया है तो बस यहाँ तक मत रुकिए, और भी कितने सारे यहाँ पे ऑप्शंस है, बस जाइए और मतलब एक्सप्लोर कीजिए, ठीक है? इसमें कुछ खराब होने वाला नहीं, ना ही कुछ बिगड़ने वाला है। बिंदास कोई भी इंस्ट्रक्शंस लीजिए और देखिए कि कौन से इंस्ट्रक्शन से क्या होता है। और अगर आप बहुत अच्छे कोई प्रोग्राम बनाते हो तो प्लीज़ हमारे साथ शेयर कीजिए, और अपने लाइक वीडियोस का या फिर आउटपुट का आप डिस्क्रिप्शन कमेंट में देखिए, हमें भी देखने दीजिए कि आप कैसे इंटरेस्टिंग प्रोग्राम्स बनाते हो, ठीक है? लेकिन 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 सर्कल वाला प्रोग्राम याद रखिए, जो आंसर कमेंट में सबसे पहला राइट आंसर देगा, ठीक है, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में हमारे अनाउंस करेंगे। याद रखिए आपको ये तीनों भी नंबर्स बताने मुझे, कि रिपीट में मुझे क्या लगाना है, मूव में मुझे क्या लगाना है, और टर्न में मुझे क्या लगाना है। चाहिए तो इस वीडियो के एंड में मैं आपको वो आउटपुट दिखा दूंगा कि मुझे किस तरह का आउटपुट चाहिए, ठीक है? लेकिन कोड तो आप ही बताओगे। आई होप कि आपको ये जो भी मैंने सिखाया है अभी तक वो बहुत अच्छे से समझ में आया हो। अगर स्क्रैच के रिलेटेड कोई भी आपको डाउट है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे पूछिए, मैं आपके सारे डाउट्स क्लियर करने की पूरी कोशिश करूँगा। तो ये था गाइस हमारा छोटा सा ट्यूटोरियल स्क्रैच प्रोग्रामिंग पे। आई होप कि काफ़ी सारे लोगों ने अपनी कोडिंग की जर्नी इस वीडियो से, इस ट्यूटोरियल से शुरू कर दी होगी, ठीक है? आई होप कि आपको मैंने जो कुछ भी बताया वो अच्छे से समझ में आया होगा। आप लोगों को क्या करना है, डिस्क्रिप्शन में मैंने स्क्रैच डाउनलोड की लिंक दी है, उसे फटाफट डाउनलोड कर दीजिए, इंस्टॉल कर लीजिए अपने कंप्यूटर पे, और आज ही अपनी कोडिंग की जर्नी शुरू कर दीजिए। आपको अगर कोडिंग के दौरान या फिर डाउनलोड के दौरान या फिर कोई भी प्रोग्राम करते वक्त कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में पूछिए, मैं अपने सारे कमेंट्स पढ़ता हूँ और कोशिश करता हूँ कि सारे के सारे क्वेश्चंस के आंसर मैं आपको कमेंट सेक्शन में दे सकूँ। और जो मैंने आपको एंड में टास्क दिया है सर्कल बनाने का, उसका आंसर तो आपको देना ही होगा। जिसका भी पहला करेक्ट आंसर आ जाएगा मेरे कमेंट सेक्शन में, उसका नाम हम अपने नेक्स्ट वीडियो में अनाउंस करने वाले हैं। अगर आपको थोड़ी भी वैल्यू मिली है इस वीडियो से तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, उस बेल नोटिफिकेशन आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। इस चैनल पे काफ़ी सारे ऐसे एडुकेशनल वीडियोस आते रहेंगे, तो प्लीज़ इस चैनल को अभी के अभी जाके सब्सक्राइब कीजिए। तो सी यू अंटिल द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, बाय बाय। तो गाइज जैसे मैंने चैलेंज दिया था आपको सर्कल बनाने का, वो मैंने तो कर लिया है। मैं आपको क्विकली बता देता हूँ कि इसका आउटपुट कैसे दिखेगा, ताकि आपको हेल्प हो जाए वो एग्जीक्यूट करने में। तो चलते और क्लिक करते हमारे ग्रीन फ्लैग पे, तो ये बन रहा है हमारा सर्कल। यस, इसी तरह से आपका स्प्राइट भी वर्क होना चाहिए, और इसी के लिए आपको कोड करना है। तो जल्दी कोशिश कीजिए, थोड़ा सा जोर डालिए अपने दिमाग पे, और कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए कि इसका कोड क्या होने वाला है। ऑल द बेस्ट, गुड लक।